कहना बहुत आसान है पर कर दिखाना बहुत मुश्किल की बात है। पर कहते हैं पूरी शिद्दत से कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। हाय गाइस, मेरा नाम है कृष्णा सुंटी। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ हैशटैग मंडे मोटिवेशन। तो दोस्तों, आज की कहानी में दो दोस्त है जो एक बड़ी सी कंपनी में काम करते हैं। एक का नाम है राहुल, एक का नाम है विराट। तो दोनों दोस्त बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे। 2 साल यूं ही बीत गए थे। तो 2 साल में बहुत ही अच्छे से नाम कमा लिया था दोनों दोस्त ने। पर इतने में पता नहीं क्या हुआ कि राहुल उदास रहने लगा था, डल होने लगा था और धीरे धीरे लोगों से मिलना जुलना भी बंद कर दिया था और धीरे धीरे उसका परफॉर्मेंस भी डाउन होने लगा था। और ये बात जो है विराट ने नोटिस किया था और विराट ने नोटिस किया और जाकर उसे बात किया, पूछने की कोशिश किया। तो अभी राहुल ने बताया कि नहीं यार, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, सुपर्ब, ऑसम यार, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद वर्क प्रेशर की वजह से अपना विराट भी बिजी हो गया था और राहुल धीरे धीरे ऑफिस आना भी बंद कर दिया था। और उसके बाद विराट को एक अच्छे से प्रमोशन मिल गया था और अब्रॉड जाने की ऑप्शन भी मिल गया था। तो विराट ने सोचा ये खुशखबरी जो है अपने दोस्त को तो बताऊं मैं। तो जो ऑफर लेटर है, जो फ्लाइट टिकट्स है, वो सब पकड़कर राहुल के घर पहुंचा। राहुल के घर पहुंचकर देखा तो राहुल के घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। दरवाजा खोलकर देखा तो बाहर की रोशनी अंदर आई, देखा तो वहां पर राहुल बैठा हुआ था, वो भी बहुत उदास। तो विराट अंदर गया, कहा कि अरे यार तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो यार। गया और स्विच ऑन किया, लाइट ऑन हुआ और कहा अरे यार मैं तो तुम्हें एक खुशखबरी बताने आई हूँ यार, मेरी प्रमोशन हो गई है, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ मैं। तो सुनने के बाद राहुल ने कहा अच्छा ठीक है यार, ओके। तो विराट ने कहा अरे मेरी फ्लाइट टिकट देख यार, मैं अभी बिजनेस क्लास में जा रहा हूँ, देख मेरी टिकट। तो राहुल ने टिकट लिया था और देखा तो डिपार्चर के लिए सिर्फ आधा घंटा बचा हुआ था। ये देखकर राहुल अचानक से एकदम उड़ गया, उठकर कहा अरे यार तुम्हारी डिपार्चर के लिए आधा घंटा, यार तुम यहीं पर हो, तुम्हें तो जाना चाहिए, अभी तो एयरपोर्ट में रहना चाहिए तुम्हें। ये सुनने के बाद विराट ने कहा अरे यार मैं तो ये गौरी नहीं कर रहा यार, चल ठीक है, एक काम करेंगे, अपने बॉस को कॉल लगाएंगे और कह देता हूँ मैं फ्लाइट मिस हो गया तो मुझे ये प्रमोशन नहीं चाहिए, मैं नहीं जाऊँगा प्रमोशन के लिए। तो ये सुनने के बाद राहुल ने कहा क्या यार, तू एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, तू तो प्रमोशन ही छोड़ दे रहा। तो विराट ने कहा तुम भी तो वही कर रहे हो ना यार, एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, तू तो जीना ही छोड़ दे रहा है। तो ये सुनते ही राहुल को एहसास हुआ जो गलती वो कर बैठ रहा था। उसके बाद राहुल ने विराट को गले लगाया और अपने दिल के अंदर जो कुछ भी दर्द था उसके साथ शेयर किया और उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढा था। फिर उसके बाद राहुल ने कहा अरे यार अभी तो तुम अपने बॉस को फोन करो, कहो ताकि तुम्हारी फ्लाइट चेंज करे। तो विराट ने कहा जरूरत नहीं है यार। तो राहुल ने कहा क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तो विराट ने कहा मैं तुम्हें 2 हफ्ते से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम डिप्रेशन में चले जा रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए तुम्हें इस डिप्रेशन से बाहर लाने के लिए। आसानी से बताऊंगा तो तू समझने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने ये प्रमोशन का नाटक किया था तुम्हारे साथ। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से पता चलता है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रेस भी आता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे कैरी करना चाहिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में तो अपने से शेयर कीजिए। तो अगर आपको लगता है कि आप शेयर नहीं कर सकते, बता नहीं सकते हैं किसी को, बता नहीं पा रहे हैं नहीं तो, तो इसके लिए मेरे पास एक सॉल्यूशन है। आपके जो कोई भी करीबी इंसान होंगे, चाहे वो दोस्त हो या आपके माँ बाप हो या भाई बहन हो, उनके पास जाइए, कुछ कहने की जरूरत नहीं है पहले तो, ठीक है, जाकर उन्हें जोर से गले लगाइए। बस दिल के अंदर जो कुछ भी बातें हैं वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएंगे, क्योंकि अपनों का कनेक्शन ही ऐसा रहता है। आपको बताने की जरूरत नहीं, उन लोगों को मालूम हो जाता है कि आप लोग कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। तो वैसे सिचुएशन में अगर आप उन्हें गले लगाएंगे तो आपके जो कुछ भी दिल के जो अंदर दुख है वो बाहर आ जाएगा, जिससे कि आपका मन हल्का हो जाता है। दिल के अंदर जो कुछ भी दर्द है अगर आप उसे दबाने की कोशिश करेंगे तो आप डिप्रेशन में भी जा सकते हैं। बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं इसकी वजह से। मेरे दोस्त, सुसाइड सबका सॉल्यूशन नहीं है, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहता है। जिंदगी बहुत छोटी है दोस्त,
उसे खुशियों से भरने की कोशिश कीजिए, प्रॉब्लम से उलझने की नहीं। हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपके अपनों से शेयर कीजिए, जिसकी वजह से आपको सॉल्यूशन भी मिल जाता है और आप डिप्रेशन में भी नहीं जाएंगे। हाँ, और एक बात, जैसे इस छोटी सी कहानी में विराट ने राहुल को ऑब्जर्व किया था ताकि उसका दोस्त डिप्रेशन में चले जा रहा है, तो इसने अपने दोस्त के पास गया था, उससे बात किया और उसे डिप्रेशन से बाहर निकाला था। वैसे ही अगर कोई भी आपके जिंदगी में है, आपके दोस्त या आपके परिवार वाले हैं, तो जाकर उनसे बात कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से डिप्रेशन से बाहर आने के लिए एक ही तरीका है, वो है दिल के अंदर दर्द को बाहर लाना। तो दोस्तों, आशा करता हूँ इस छोटी सी कहानी आपकी जिंदगी में बदलाव लाएगी, और मिलते हैं अगले सोमवार सुबह 10 बजे मेरे YouTube चैनल पर।